आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर क्वेश्चन इज गिवन स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एट स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच will have to attend the seminar in month of july and august but not necessarily in the same order in each month the seminar will conduct on date 7th 13th 19th and 25th of the month only one student will attend the seminar on these given date a will attend the seminar on either 19th of july or 19th of august there are exactly two students will attend the seminar between the date on which A and H attend the seminar. There is exactly one student will attend the seminar between the date on which H and B attend the seminar. There are two students will attend the seminar between the date on which B and G attend the seminar. There is exactly one student will attend the seminar between the date on which G and C attend the seminar. D will not attend the seminar on 7th of July and सेवेंथ ऑफ अगस्त देर आर एग्जैक्टली टू स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार बिटवीन द डेट ऑन विच डी एंड एफ अटेंड द सेमिनार ई विल नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त एंड एफ नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन सेवेंथ अगस्त डेट गिवेन है सेवेंथ जुलाई उसके बाद आएगा थर्टींथ जुलाई नेक्स्ट नाइनटींथ जुलाई नेक्स्ट आएगा ट्वेंटी फाइव जुलाई उसके बाद अगस्त मंथ का डेट होगा सेवेंथ अगस्त थर्टीन अगस्त नाइनटीन अगस्त ट्वेंटी फाइव अगस्त ए विल अटेंड द सेमिनार ऑन ईदर नाइनटीन जुलाई और नाइनटीन अगस्त ए नाइन्टीन जुलाई को या फिर नाइन्टीन अगस्त को सेमिनार अटेंड करेगा नेक्स्ट दिया हुआ है देयर आर एग्जैक्टली टू स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार बिटवीन द डेट ऑन विच ए एंड एच अटेंड द सेमिनार ए के पहले पॉसिबल नहीं है ए के बाद देखते हैं वन टू देन एच आएगा और यहाँ पे ए के बाद नहीं पॉसिबल है ए के पहले टू पर्सन का सेमिनार होगा उसके पहले एच का सेमिनार होगा देयर इज एग्जैक्टली वन स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार बिटवीन द डेट ऑन विच एच एंड बी अटेंड द सेमिनार यहाँ पर दो केस पॉसिबल होंगे एच के पहले बी का सेमिनार हो या फिर एच के बाद बी का सेमिनार हो राइट करते हैं ए है देन एच है फर्स्ट केस में बी को पहले रखते हैं, बी का सेमिनार एच के पहले कंडक्ट हुआ है और सेकंड केस में एच के बाद बी को रखते हैं एक पर्सन छोड़ करके यहाँ पर बी की पोजीशन हो गई नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एच और बी के लिए यहाँ पर भी दो केस पॉसिबल होंगे एच के पहले बी का सेमिनार हो या फिर एच के बाद बी का सेमिनार हो राइट करते हैं एच देन ए फर्स्ट केस में एच के पहले बी का सेमिनार हो रहा है और सेकंड केस में एच के बाद बी का सेमिनार हो रहा है देयर आर टू स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार बिटवीन द डेट ऑन विच बी एंड जी अटेंड द सेमिनार बी और जी के बीच में टू पर्सन का सेमिनार हो रहा है यहाँ पर भी टू पॉसिबल केस होंगे जी का सेमिनार बी के पहले हो या फिर बी के बाद हो राइट करते हैं ए बी एच है जी का सेमिनार बी के पहले हो अगर टू पर्सन वन टू यहाँ पर जी होगा और अगर जी का सेमिनार बी के बाद होता है तो यहां पर वन टू यहाँ पर जी की पोजीशन होगी इस केस में देखते हैं बी के बाद जी का सेमिनार नहीं पॉसिबल है बी के पहले देखते हैं वन टू यहां पर जी की पोजीशन होगी इस केस में देखते हैं बी के पहले जी नहीं पॉसिबल है बी के बाद जी होगा वन टू यहाँ पर जी की पोजीशन होगी और इस केस में बी के बाद नहीं पॉसिबल है बी के पहले जी का सेमिनार होता है वन टू यहां पर जी की पोजीशन होगी देयर इज एग्जैक्टली वन स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार बिटवीन द डेट ऑन विच जी एंड सी अटेंड द सेमिनार यहाँ पर जी के पहले सी का सेमिनार पॉसिबल नहीं है और जी के बाद एक पर्सन छोड़ के ए है यहाँ पर भी सी को नहीं रख सकते हैं ये केस डिस्कार्ड हो गया यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इसको हटा देते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जी और सी के बीच में एक पर्सन है यहाँ पर जी के पहले सी कर रखते हैं यहाँ पे सी होगा जी के बाद सी का सेमिनार नहीं पॉसिबल है यहाँ पे जी के पहले सी नहीं हो सकता ए पहले है यहाँ पे जी के बाद रखते हैं सी को यहाँ पर सी की पोजीशन होगी इस केस में जी के बाद सी नहीं हो सकता एक पर्सन छोड़ के ए ऑलरेडी है जी के पहले रखना पड़ेगा यहाँ पर सी की पोजीशन हो गई और इस केस में दो पॉसिबिलिटी है जी के पहले सी का सेमिनार हो या फिर जी के बाद सी का सेमिनार हो राइट करते हैं जी एच बी ए सी का सेमिनार जी के पहले अगर रखते हैं तो यहाँ पर सी होगा और जी के बाद अगर सी का सेमिनार होता है तो यहाँ पर सी की पोजीशन होगी डी विल नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन सेवेंथ ऑफ जुलाई एंड सेवेंथ ऑफ अगस्त मतलब डी इस जगह नहीं हो सकता और यहाँ पर भी डी नहीं हो सकता इस रो में डी को नहीं प्लेस कर सकते हैं दे आर आर एगजेक्टली टू स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार बिटवीन द डेट ऑन विच डी एंड एफ अटेंड द सेमिनार टू परसन है डी और एफ के सेमिनार के बीच में यहाँ पर डी को नहीं रख सकते अगर यहाँ पर एफ को रखते है वन टू परसेंट छोड़कर यहाँ पर डी के लिए स्पेस नहीं है ये केस भी रॉन्ग हो गया इसको भी हटा देते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डी और एफ के लिए जो पोजीशन है अगर यहाँ पर एफ को रखते हैं पर्सन देन टू यहाँ पर डी की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर भी डी और एफ के लिए कोई भी वैकेंट प्लेस नहीं है क्योंकि डी के सेमिनार के बाद दो पर्सन का सेमिनार होता है देन एफ का सेमिनार होता है यहाँ पर नहीं प्लेस कर सकते हैं ये केस भी डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ पर भी नहीं पॉसिबल है और यहां पर भी नहीं पॉसिबल है ये तीनों ही केस डिस्कार्ट हो गए ये केस करेक्ट है यहाँ पर जो रिमेनिंग पर्सन है वो ई है मतलब इस वैकेंट प्लेस पर ई की पोजीशन होगी इस तरीके से यहाँ पे हमें अरेंजमेंट ऑप्टेन हो रहा है सेमिनार इस तरीके से कंडक्ट होगा सेवंथ जुलाई को एफ का सेमिनार थर्टीन जुलाई को ई e का सेमिनार नाइनटीन जुलाई को ए का सेमिनार ट्वेंटी फाइव जुलाई को डी का सेमिनार सेवेंथ अगस्त को जी का सेमिनार थर्टीन अगस्त को एच का सेमिनार नाइनटीन अगस्त को सी का सेमिनार और ट्वेंटी फाइव अगस्त को बी का सेमिनार होगा देखते हैं क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ इज रिलेटेड टू सी एंड ए इज रिलेटेड टू बी इन द सेम वे एफ इज़ रिलेटेड टू होम ई सेमिनार अटेंड अटेंड कर कर रहा है C, कर रहा है है ऑफ़ जुलाई को। सी सेमिनारेमिनार नाइनटीन अगस्त को यहाँ पर जो डेट्स गिवेन है सेवन थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव थर्टीन से नेक्स्ट डेट जो है वो नाइनटीन होना चाहिए और मंथ नेक्स्ट होना चाहिए जुलाई के बाद अगस्त मंथ होना चाहिए उसी तरीके से एक का सेमिनार हो रहा है नाइनटीन जुलाई को और बी अटेंड कर रहा है सेमिनार ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त को नाइनटीन के बाद डेट आएगी ट्वेंटी फाइव और मंथ नेक्स्ट है जुलाई के बाद अगस्त उसी तरीके से एफ इज रिलेटेड टू होम एफ सेमिनार अटेंड कर रहा है सेवेंथ ऑफ जुलाई को नेक्स्ट डेट थर्टीन होगी और मंथ अगस्त होना चाहिए थर्टीन अगस्त को एच का सेमिनार हो रहा है सो so हेयर ऑप्शन फोर एच इज द राइट आंसर होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर